नमस्कार दोस्तों, आज मैं रमेश कुमार झा आप लोगों के सामने जटायु चरित्र के ऊपर मैं कुछ सुनाने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। ये मेरी कृति अपने हृदय का उद्गार व्यक्त करता है। रामायण में जटायु एक ऐसा चरित्र है जो मानवता के ऊपर एक बहुत बड़ी मिसाल है। आजकल के जमाने में जटायु जैसा व्यक्तित्व देखने में बहुत कम ही मिलता है। जटायु के ऊपर मेरी लिखी हुई यह कविता, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि आपके द्वारा पसंद की जाएगी। प्रसंग उस समय का है जिस समय रावण सीता का हरण करके ले जा रहा है और उसी दौरान जटायु से उसका युद्ध होता है। युद्ध के दौरान जटायु घायल हो जाते हैं, उनका पंख कट जाता है और वह विवश होकर के जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन अपने प्राण का त्याग नहीं करते हैं। वह इस भरोसे में रुके हुए हैं कि राम आएंगे और राम को सारा वृत्तांत बताने के बाद में वह अपने प्राण का उत्सर्ग करेंगे, लेकिन मरने से पहले वह अपने जीवन में एक भलाई करना चाहते हैं, एक परोपकार करना चाहते हैं। उसके लिए अपने प्राण को संजो कर रखे हैं, अपने प्राण को निकलने नहीं दे रहे हैं। देखते हैं वह कौन सा संवाद होता है राम और जटायु के बीच में। बारिज लोचन पूछे रमापति हाल, ये कैसा बेहाल हुआ है। बारिज लोचन पूछे रमापति हाल, ये कैसा बेहाल हुआ है। राम सुनो दिशि दक्षिण में अभी सीता को रावण ले जा रहा है। बेटी की रक्षा न काम रहा, बेटी की रक्षा न काम रहा, यह सोच कलेजा फटा जा रहा है। ऐसे बुढ़ापा में हाय विधाता, तू कैसा ये खेल दिखाए रहा है। ऐसे बुढ़ापा में हाय विधाता, तू कैसा ये खेल दिखाए रहा है। राम कहते हैं जाने की प्यासी बनेगी, शब्द पर ध्यान दीजिएगा, जाने की प्यासी बनेगी जो सीता को लंक में ले जा रहा है। तेरा ये हाल बेहाल, यूं देखना अंतर ज्वाल सहा जा रहा है। पंख का मोल चुकाएगा रावण, काल ये बात बताए रहा है। सीता की चाहन पूरी हुई यह सोच के शोक सताए रहा है। सीता की चाहन पूरी हुई यह सोच के शोक सताए रहा है। तीसरा पद है, जटायु कहते हैं राम से, गेह में आई बहु पहली कछु ने गया नेह न देव से पाया। अरे गेह में आई बहु पहली कछु ने गया नेह न देव से पाया। राम को जटायु अपने पुत्र के रूप में मानते थे, इस प्रकार सीता उनकी बहू हुई और सीता इसमें पहली बार कानन में गई है, जंगल में गई है, उसी को देख करके जटायु कह रहे हैं गेह में आई बहू पहली कछु ने गया नेह न देव से पाया। रे कानन ढूंढ लिया पर नोई नेग के जोग न किंचित पाया। कानन ढूंढ लिया पर नेग के जोग न किंचित पाया। आज विधाता ने मौका दिया पर पंख के कारण धोखा खाया। अरे सोच के सीना का चोट रहा, क्यों न पापी को मैं जम लोक दिखाया। सोच के सीना का चोट रहा, क्यों न पापी को मैं जम लोक दिखाया। राम कहते हैं जटायु से, चाहो तो नूतन काय करो चिर जीवी बनाओ कहे रघुराई। चाहो तो नूतन काय करो चिर जीवी बनाओ कहे रघुराई। राम के भाव को जान जटायु, दो बात कही मन में मुसुकाई। राम के भाव को भाप जटायु, दो बात कही मन में मुसुकाई। राम के काम जो आन सका, अरे राम के काम जो आन सका, उस देह को त्यागने में ही भलाई। दृष्टि न दूर रखो रघुबीर, तो गिनी की जात में होगी हसाई। दृष्टि न दूर रखो रघुबीर, तो गिनी की जात में होगी हसाई। राम कहते हैं
बूढ़े पिता की गुहार है राघव जाकर मेरी सिया घर लाओ। अरे बूढ़े पिता की गुहार है राघव जाकर मेरी सिया घर लाओ। काट के कामी कुकर्मी को काक श्रीगालों को भोज कराओ। काट के कामी कुगामी कुकर्मी को काक श्रीगालों को भोज कराओ। कौशल के नर नारी की सो कौशल के नर नारी की सो दुखी आरी की रक्षा में पांव बढ़ाओ। अरे नारी की जाति को लाज बचाने को कौशल्या नंदन चाप चढ़ाओ। नारी की जाति की लाज बचाने को कौशल्या नंदन चाप चढ़ाओ। जाओ रे राघव छोड़ो मुझे इस काल में क्यों निरुपाय खड़े हो। अरे जाओ रे राघव छोड़ो मुझे इस काल में क्यों निरुपाय खड़े हो। न्याय में तेरी अन्याय कहाता है न्याय के खातिर काय धरे हो। न्याय के खातिर न्याय में तेरी अन्याय कहाता है न्याय के खातिर काय धरे हो। पंचवटी भी विलाप रही पंचवटी भी विलाप रही सुने आंगन में तुलसी को ले आओ। अरे स्वाति शिष्य से आने मिलाओ या कानन दाहक बाण चलाओ। स्वाति शिष्य को आने मिलाओ या कानन दाहक बाण चलाओ। इसके बाद त्याग के लौकिक देह अलौकिक त्याग के लौकिक देह अलौकिक पावन होके जटायु चले हैं। गिद्ध की जाति को गर्व रहेगा श्री राम के काम में प्राण गए हैं। गिद्ध की जाति को गर्व रहेगा श्री राम के काम में प्राण गए हैं। जोड़ के काठ बनाए चिता और राम जटायु को आग दिए हैं। अरे क्यों बालक से भी लिखे न रमापति नाथ ही आज रनाथ हुए हैं। क्यों बालक से भी लिखे न रमापति नाथ ही आज रनाथ हुए हैं। दाह क्रिया विधि जोग कराए के गिद्ध को पावन लोक बिठाए। दाह क्रिया विधि जोग कराए के गिद्ध को पावन लोक बिठाए। कानन के खग विप्र बुलाए के सादर भोज सुस्वाद कराए। दक्षिणा देने की बात हुई दक्षिणा देने के लिए कुछ भी आज जगतपति के पास नहीं है। दक्षिणा देने की बात हुई कर दक्षिण मुख दो हाथ उठाए। श्रीपति वित्त विहीन हुए लिखे बाल तू अंकन जाए मिटाए। श्रीपति वित्त विहीन हुए लिखे भाले को अंकन जाए मिटाए। सबसे अंतिम पंक्ति है सीता की रक्षा में प्राण लुटाने की सूची में ऊपर नाम जटायु। सीता की रक्षा में प्राण लुटाने की सूची में ऊपर नाम जटायु। मानवता हित प्राण लुटाने को आज कहो कितने हैं जटायु। आज मानवता के हित में प्राण लुटाने वाले कितने जटायु बचे हैं? बहुत कम गिनती के चुनिंदा। मानवता हित प्राण लुटाने को आज कहो कितने हैं जटायु। नारी की रक्षा में काल बना लोग तरह तरह की बहाना तरह तरह के बहाने ढूंढ लेते हैं मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन देखिए एक गीर भारत का एक गीर भी नारी की रक्षा में अपने प्राणों की बाजी को प्राणों की आहुति दे दी। प्राणों की आहुति दे करके उसने एक नारी की मर्यादा को बचाने की पुरजोर कोशिश की है। नारी की रक्षा में काल बना ललकार उठा निज देखी न आयु। हरे राम के अंक में प्राण गवा मुस्काए चला बड़ भागी जटायु। राम के अंक में प्राण गवा मुस्काए चला बड़ भागी जटायु। बड़ भागी जटायु बड़ भागी जटायु।